सुंदर सा जी, श्री राज श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पढ़ते हैं फूल बाग की ओर। धनी चरणों में ध्यान लगाते हुए अपनी आत्मिक नजर को लेकर चलते हैं श्री रंग महल की नृत्य और वायव कोने के मध्य आए 1500 मंदिर के सन्मुख का धाम रोस पर। इन धाम रोस पर है एक मंदिर की विशाल धाम रोस। नजर रंग महल की ओर करते हैं तो अलौकिक शोभा के दर्शन होते हुए इन मंदिरों की बाहरी दीवार में एक बड़ी महाबुलंद मेहराब दिखाई देती हुई। मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल और इन मेहराब में तीन मेहराबे, तीन में पुनः तीन तीन, दो द्वारों की शोभा, छह जाली द्वार और ठीक मध्य कमर पर ऊंचे झरोखे की शोभा। तो अति सुंदर शोभा श्री रंग महल के नूरमयी रंगों नगो जवेरों से छिन मिलाते मंदिर। सामने फूल बाग है तो इनमें फूलों की अपरंपार शोभा प्रतिबिंबित होती हुई और नजर फूल बाग की ओर करते हैं तो बड़ी प्यारी सी शोभा धाम रोज से एक रूप मिलान करता फूल बाग। ये देखिए, ये शोभा तो हुई फूल बाग के नहर की चबूतरे की रोज की और ये हमारी धाम रोज, दोनों का एक रूप मिलान होता हुआ। हम धाम रोज से फूल बाग की ओर चलते हैं तो धाम रोज से अगला कदम हमारा फूल बाग की पहली नहर की चबूतरे पर। तो बड़ी प्यारी सी शोभा। अब हम देखते हैं फूल बाग की शोभा किस प्रकार से आई है। सबसे पहले नहर के चबूतरों की शोभा देखते हैं। पहला नहर का चबूतरा नैऋत्य और वायव कोने की कोट दीवार से लगता हुआ पौने तीन मंदिर का तो चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा। पौने तीन मंदिर का चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा। फिर 147 मंदिर की जगह छोड़कर दूसरा नहर का, फिर 147 मंदिर की जगह छोड़कर तीसरा नहर का चबूतरा। इस प्रकार से 147 मंदिर छोड़कर नहर के 11 आड़े चबूतरे हुए। 11 में संध हुई 10, तो 147 के हिसाब से 1470 मंदिर बगीचों के हुए और पौने तीन मंदिर के हिसाब से 11 नहर के चबूतरे हमारे हो जाते हैं 30 मंदिर के। तो ये 1500 मंदिर का हिसाब संपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे खड़े नहर के चबूतरे, उसी प्रकार से पौने तीन मंदिर के चौड़े और 147 मंदिर की दूरी पे आए हुए उनका हिसाब भी इसी प्रकार से रहता है। इन 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरों के मध्य 10 की 10 साथ 100 बगीचों की सुंदर शोभा होती है। करके सतगुरु महाराज जी के नक्शे से ये देखिए श्री रंग महल के नृत्य और वायव कोने के मध्य आए मंदिर, ये अपनी धाम रोस और ये पहला नहर का चबूतरा, पौने तीन मंदिर का चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये 1500 मंदिर का हिस्सा बाहरी हाथ मंदिरों की भीतरी दीवार से बांधा गया है। बाहरी दीवार से तो 1470 चरोखे इन फूलबाग पे पड़ते हैं और 15-15 जरोखे दोनों चबच्चों पर आते हैं नृत्य और वायव कोने की। तो इस तरह से एक रूप मिलान करती है शोभा धाम रोस। हम ये शोभा देखें कैसे ये पीले रंग की धाम रोस और नहर का चबूतरा बिल्कुल एक रूप मिलान करता। 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरे आने से हमारे पास 100 बगीचे हुए। अब एक नहर के चबूतरे की शोभा को ध्यान से देखते हैं। एक नहर के चबूतरे की शोभा इसी प्रकार से सभी नहर के चबूतरे आए हैं।
ये देखिए, 75 हाथ में नहर, अपने पास 3.25 मंदिर की चौड़ाई लिए नहर है, तो 75 हाथ में नहर, कमर भर गहरी नहर, क्योंकि फूल बाग नूर बाग की छत पर आया है और नूर बाग की छत श्री रंग महल की धाम रोज से 3 सीढ़ी नीचे है, और जो नहर के चबूतरे हैं वो 3 सीढ़ी के आए हैं और धाम रोज से मिलान किए हैं। तो यहाँ पर बगीचों की शोभा भी 3 सीढ़ी नीचे धाम रोज से, और नहरें भी 3 सीढ़ी गहरी, कमर भर गहरी। तो कमर भर गहरी 75 हाथ की नहर, नहर की ठीक मध्य 75 हाथ में सुंदर पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियाँ, रोसों की शोभा देखिए, ठीक मध्य फुलवाड़ी 33 हाथ में, और दाएं बाएं 33-33 हाथ की सुंदर रोसे। पुलों के ठीक सामने फुलवाड़ी में भी आने जाने का रास्ता, तो ये सुंदर शोभा। और दाएं बाएं जहाँ आड़ी खड़ी ये नहरें कट रही हैं, वहां पर बड़े चबच्ची 75 हाथ में जल घेर कर इसी प्रकार से रोसे, ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस, इन एक एक चबच्ची से पांच पांच फवारे उठते हुए, एक फवारा ठीक मध्य में उछल के उसी में समाता हुआ, और चार फवारे दिशा के फवारों में जाते हुए। तो ये तो नहरों की शोभा हुई, लेकिन जो आड़ी नहर, पहली आड़ी नहर धाम रोज के साथ मिलान करती आई है, उनमें 3,000 चबच्चों की स्पेशल शोभा आई है। उन शोभा को भी देखते हैं। ये देखें, ये 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा और 1500 मंदिर का लंबा, जिनमें हम देखेंगे कि 3.5 और 3.25 ये दाएं बाएं तो ये खड़ी नहरों ने ले लिए। तो यहाँ पर आड़ी खड़ी नहरें कटने से इन स्थान पर 2 75 हाथ के बड़े चवच्चों की शोभा होती है। तो अपना ये स्थान कम हो गया कितना, 2 दिशा से 2 75, दाएं बाएं से 2 75, 3.5 मंदिर अपने कम हो गए, 2.75, फिर 2.75 ये दो तरफ से अपने कम हो गए। फिर हम देखेंगे इसमें 10 नहर के पुल आए हैं। अपने पास यहाँ 3 बगीचे दिखा रखी हैं और इनमें 3 पुल आए हैं, ऐसे अपने पास 10 बगीचे हैं, तो 10 पुल हुए। 75 हाथ का एक पुल है, 75 हाथ की नहर, पुल भी 75 हाथ का, तो 7.5 मंदिर पुलों ने ले लिए। तो ये कुल जगह अपनी कम हो जाती है 13 मंदिर। 1500 में से 13 मंदिर घटाएंगे तो 1487 होता है। इसको राउंड फिगर में करें, 1490 मोटा हिसाब लेवे, तो हम देखेंगे 2 पुलों के बीच में 149 मंदिर की जगह है। 149 मंदिर की जगह पर 300 300 चबच्चे आए हैं। तो हम ये देखेंगे 10 पुलों के मध्य 9 संदें हुई 149 मंदिर की, वहां पर 300 300 चबच्चे आए, और दाएं बाएं जो आधी आधी संध है उसमें 150 150 चबच्चे, तो ये हमारे 3,000 चबच्चे होते हैं। 25 हाथ का चबच्चा, 25 हाथ में नहर, 25 हाथ में चबच्चा, और एक चबच्चे की शोभा कैसी आई है, उन शोभा को हम देखते हैं। एक चबच्चे की शोभा किस प्रकार से आई है, ये अपनी 75 हाथ में जल की शोभा हुई। इन जल की शोभा में अपने 25 25 हाथ के चबच्चे हुए। थोड़ी शोभा ऊपर नीचे हो सकती है, सुंदर साजी समझने के हिसाब से हम करें, ये 25 25 हाथ के चबच्चे। अब इन्हीं के चबच्चे में अपने पास 5 5 फवारे आए हैं, एक मध्य में और 4 दिशा में, ऐसे एक मध्य और 4 दिशा में। तो जो दिशा वाले फवारे हैं वो पास वाले चबच्चे में जाते हुए ऐसे, है ना, इस तरह से, और ये फवारे नहर में गिरते हुए, और ठीक मध्य का उछलकर इसी में समाता होगा।
तो ये 3,000 छह बच्चों की अति सुंदर शोभा, 3,000 छह बच्चों की अति प्यारी शोभा। हम इन मंदिरों में हैं, जरोखों में हैं, तो सभी के आगे फवारे, आगो सबन के फवारे। हम जाली द्वारों में खड़े हैं, हम मेहराबों में खड़े हैं, तो हमारे सामने 3,000 फवारों की बड़ी प्यारी सी शोभा। सबके आगे उछलते फवारे, जल की एक नूरी दीवार सी बनती हुई, क्योंकि 25-25 हाथ की दूरी पर आए फवारों से 5-5 फवारे उठते हुए बेशुमार रंगों नगों के फूलों से प्रतिबिंबित होते ये फवारे तो अति सुंदर शोभा। अब शोभा देखते हैं हम एक बगीचे की। हमारे पास 10 बगीचों की 10 हारे आई। एक बगीचे की शोभा देखते हैं। एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे आए, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही आड़ा, तो 3 की 3 हार 6 बच्चे हुए। तो हम देखेंगे ये नहर का चबूतरा 50 हाथ में तो कमर भर गहरी नहर और 25-25 हाथ में रोज से। इन 3 आड़ी खड़ी नहरें से 16 बगीचे हुए और इन 16 बगीचों की 3 तरह की सुंदर शोभा। इन शोभा को निरखते हैं। ये देखिए ठीक मध्य और 4 दिशा के ये जो 6 बच्चे हैं, इनसे एक ही फवारा चक्रीदार आसमान की ओर उछल के पुनः इसी 6 बच्चे में समाता हुआ। जल की एक बड़ी विशाल धारा फूलों से रंगों से फूलों की पंखड़ियां समेटे ऊपर की ओर जाती और बड़ी अदा से बल खाती उसी 6 बच्चे में गिरती हुई। और ये जो 4 कोने की 6 बच्चे हैं, ये जो अपने 4 कोने की 6 बच्चे हैं, इन 6 बच्चों से 5-5 फवारे, एक फवारा तो इन्हीं के माने ऊपर उछल के इसी में छमाता हुआ और 2 फवारे इनके इन नहर में आते हुए। क्योंकि ये जो कोने के बगीचे हैं, इनकी 2 तरफ बड़ी नहर और 2 तरफ छोटी नहर है, और इनके इन 2 दिशाओं में 6 बच्चा नाव की नहरी है, तो यहां से जल फुहारा बनाकर इन नहर में गिरता हुआ बड़ी नहर में। और 2 फवारे देखिए इस तरह से बढ़ते हैं और इधर से इस कोने का फवारा बढ़ता है और आपस में यहां मिलते हैं। इस तरह से एक बड़ी मेहराब बनाते हुए एक फवारा एक 6 बच्चा मध्य में छोड़ते हुए उन कोने के 6 बच्चे के साथ मेहराब बनती हुई। तो इन सुंदर शोभा को महसूस करें। हम इन सुंदर शोभा को महसूस करें। मान लीजिए कि हम इन 6 बच्चों में हैं, हम इन 6 बच्चे में हैं, तो चारों तरफ मेहराब बनाती जल की सुंदर शोभा। इन 6 बच्चे पे हैं तो हमारे सिरों के ऊपर, हमारे ऊपर जल की 2 धाराएं विशाल मिलती हुई यहाँ पर उनकी सुंदर गर्जना और जल की बूंदियां हम पर आती हुई, और हम इन नहर की रोंस पर हैं तो हमारे ऊपर से जल के फवारे आते हुए नहर में समाते हुए। ये बड़ी नहर की इधर की तरफ जो 100 हाथ की रोंस आई है फुलवाड़ी रोंसे, उन स्थान पे है हमारे ऊपर से जल की धारा जाती हुई। इन नहर में है, नहर की रोंस पे है, तो ऊपर से जल की धारा जाती हुई, तो बड़ी प्यारी सी शोभा। एक एक बगीचे में इस तरह से 9-9 6 बच्चे, 3 आड़ी खड़ी नहरें कटने से सुंदर अनुपम शोभा। अब हम देखेंगे इन बगीचों में जो 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हुए। ठीक मध्य के जो 4 बगीचे हैं, इनकी तो 4 दिशाओं में छोटी नहरें, 4 कोनों में 6 बच्चे। दिशा की ये जो दो दो रह गए कोने को छोड़कर, इनकी 3 तरफ छोटी नहरें, 1 तरफ बड़ी, कोने में 2 तरफ छोटी 2 तरफ बड़ी,
तो इनका एक ही छोटा चा बच्चा इनके साथ लगता हुआ और एक इधर बड़ा चा बच्चा लगता हुआ। तो ये सुंदर शोभा इन बगीचों की, इनकी रोसों की शोभा को देखी, इनकी सीढ़ियों की शोभा को देखी, इन बगीचों में 13 वृक्षों की 13 हरियाई। तो ठीक मध्य जो सीढ़ी आई है 3 मंदिर की, उसके मध्य वृक्ष लगता हुआ, कोने की सीढ़ियों के मध्य भी वृक्ष लगते हुए, सुंदर कमर भर गहरी नहरे फूलों की शोभा। और ये वृक्ष 44 7 तना, 44 की मेरा, 12 की चित्रकारी, 1 कल चंद्रमा, जो 10 की 10 सार बगीचे हैं उन पर 1 कल छतरी। तो ये सुंदर शोभा को हम देखें कि इन वृक्षों की 1 कल छतरी पहली भूमि में ही नहरी चबच्चे ढपते हुए, और ये छतरी एक मंदिर आगे जाकर उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बड़ो वन से मिलान करती हुई। और तले की भूमिका में देखिए तो यहाँ 3 तरफ एक मंदिर का छज्जा निकलता हुआ, छज्जे की दोनों तरफ इधर नहर की रों से सीढ़ी उतरती हुई और इधर बड़ो वन से सीढ़ी उतरती हुई। 3 तरफ एक मंदिर का छज्जा लेके बड़ो वन से मिलान हुआ। रंग महल की तरफ इस किनार पर जो वृक्ष आए हैं उन्होंने पौने 3 मंदिर चलकर आगे 67 हाथ चल के रंग महल की छज्जे से मिलान किया है। और हमने देखा कि एक बगीचे में 4 की 4 हाले और प्रत्येक में 13 की 13 हाले, तो इस किनार पर 52 वृक्ष। तो ठीक यहाँ पर बगीचे की बाहर की तरफ भी 52 वृक्ष एक बगीचे के हाथ में, तो 10 में 520, 520 हर दिशा में वृक्ष, 4 वृक्ष 4 कोने में, 13 की 13 हारे प्रत्येक बगीचे में और 3 किनार पर 520 वृक्ष और एक एक चारों कोने पे। ये बगीचे के बाहर की तरफ इस जगह भी वृक्ष आते हैं। तो ये सुंदर शोभा जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर सीढ़ी के ठीक मध्य वृक्ष आता है, तो ये जो बाहरी किनार पर वृक्ष आएंगे उनके भी सीढ़ी के मध्य ठीक वृक्ष की शोभा आएगी। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से देखते हैं। ये देखिए ये दृश्य तो है, 3 तरफ जो छज्जा निकला, 3 सीढ़ी नहर के चबूतरे से उतरती हुई और 3 सीढ़ी वनों की दूसरी भूमि में जाने के लिए घेर कर जो बड़ो वन की वृक्ष आए हैं। और सीढ़ियों की शोभा देखिए हम, ये देखिए सीढ़ियों के ठीक मध्य वृक्ष, ये देखिए। तो ये सुंदर शोभा, इन छज्जे की शोभा को देखिए, इन छज्जों से घेर कराए बड़ो वन के वृक्षों में जाए 3 सीढ़ी। इन वृक्षों की पहली भूमि में रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान किया, दूसरी भूमि में तीसरी भूमि के छज्जों से मिलान किया और इधर बड़ो वन से एक रूप मिलान होता हुआ। चारों कोनों में 16 हाँस की चबच्ची, जिनमें 2 चबच्चे रंग महल की जो नैऋत्य और वायव्य कोने के हैं वो फूल बाग के अगेन और ईशान कोने के भी हुए। अब हम शोभा देखते हैं कि हम एक बगीचे में हैं, उन एक बगीचे में 16 बगीचे हुए, उनकी रोसों की शोभा देखें, सीढ़ियों की शोभा देखें, कोने से उतरती सीढ़ियां, फूलों की शोभा, और कैसे यहाँ 3 तरह की मेहराबें बनती हुई, बड़ी नहर के चबूतरे पे 2.25 मंदिर की, छोटी नहर के चबूतरे पर 1 मंदिर की, और ये जो 13 वृक्षों की 13 आए हैं इनमें 3 3 मंदिर की मेहराब। तो 3 3 मंदिर के चौक बनते हुए उनमें सुंदर बैठन के स्थान, सुंदर फूलों की त्योहरिया, अति सुंदर शोभा। अब हम यहाँ के कुल कितने छह बच्चे हुए उन शोभा को गिनते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहली आड़ी नहर में 3,006 बच्चे, पहली आड़ी नहर में अपने आए थे 3,006 बच्चे। और यहां से हम गिने इस नहर में 11 चबच्चे आए हैं, 11 की 10 हारे, तो ये चबच्चे हो गए अपने पास 11 की 10 हारे, तो 110 अपने पास ये हो गए।
और चार कोने के ले लेवे, चार ये हो गए। प्रत्येक बगीचे में 9 देखे थे तो 100 बगीचों में 900 ये हो गए। जब हम 11 के 10 हारे ले रहे हैं तो ये 2 कोने के तो गिने जा चुके, तो यहाँ पर 4 की जगह 2 ही आएगा। तो ये अपने पास टोटल हो जाते हैं छह बच्चे 4012। 3000 बड़ी नहर में, एक बगीचे में 9 तो 100 में 900, और यहाँ से हम गिनते हैं ये 11 छह बच्चे हैं, इनकी 10 हारे तो 110 ये हुए, और ये कोने के 2 पौने 3 मंदिर की यहाँ कोने में 2 हैं, तो ये अपने हो जाते हैं 4012। तो इस प्रकार से 4012 छह बच्चों की सुंदर शोभा हुई। अब हम रोसे नहर के चबूतरे गिनते हैं, नहर के चबूतरे कितने हुए। तो इन पहली नहर को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए आड़ी नहरें इन यहीं तक आके रुक गई हैं, इनसे काट नहीं रही। तो इन पहली नहर को छोड़ देंगे, पूरब से पश्चिम हमारे पास, पूरब से पश्चिम में देखिए 11 नहरों के मध्य ये 10 नहरें हुई, तो 10 नहरों की 10 हारें, पूरब से पश्चिम 10 नहरों की 10 हारें। उत्तर से दक्षिण हम देखेंगे 10 नहरों की 11 हारें, 110 ये हुए, प्लस हम ये पहली आड़ी नहर भी गिन लेंगे तो 1 ये हुआ। अब एक बगीचे में हमने देखा था, एक बगीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 की 3 पूर्व से पश्चिम, 4 की 3 उत्तर से दक्षिण, तो 24 नहरें एक बगीचे में, तो 100 बगीचों में अपनी हो जाती हैं 2400 नहरें, 2400। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल अपने पास नहरें आ जाएंगी 2611, टोटल अपने पास नहरें हो जाती हैं। तो इन सुंदर शोभा को हम दिल में ले लेवे, फूल बाग की आड़ी खड़ी नहरों के मध्य आए 100 बगीचे, फिर एक-एक बगीचे में 16 बगीचे, इन 16 बगीचों में 13 वृक्षों की 13 हारे, सुंदर शोभायमान होती हुई रंगों नगों से झिल मिलाती अति सुंदर शोभा, सीढ़ियों की सुंदर शोभा, वृक्षों की सुंदर शोभा, 13 वृक्षों की 13 हारे, चारों कोनों पर चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, छह बच्चों की अपरंपार शोभा, अति सुंदर शोभा हमारे फूल बाग की।